अज रोपड़ पहुँच के सारे साडे बीजेपी दे जिहड़ी मैंबर साहिबान है उन्हां नाल मुलाकात करन दा जिहड़ा प्रोग्राम है, उस तों पहलां गवर्नर साहब कोल असीं सारे साथी जा के आए हैं। बीजेपी दे तरफों एक वफद लैके असीं गवर्नर साहब नूं मिले हैं। हर साल आंदे है मानसून दा जदों भी प्रकोप, मानसून नूं सारा पंजाब खास तौर पर क्योंकि खेती प्रधान सूबा है अड़ीकदा, पर उहदे नाल जदों हड़ आंदा उहदा नुकसान भी होंदा। पर इस बार पंजाब दे अंदर बहुत सारा नुकसान हड़ दे अलावा आम आदमी पार्टी दी भगवंत मान जी दी सरकार दी लापरवाही करके भी होया है। एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिहदे तहत मानसून आने तो पहला सरकार अपने सारे हड़ रोकण दे प्रबंधां दी समीक्षा करती है, उहदे रिव्यू मीटिंग करती है, कोई ड्रेन की सफाई है, कोई बन पक मजबूत करने है, या हर किस्म का जो भी प्रबंध करना वह रिव्यू किया जाता भी जिहड़ा हड़ रोकण दे प्रयास है वह किन्ने क पूरे कर ले गए, कि उस कमी है उन किवें दूर की जा सकती है ताकि हड़ का प्रकोप घटाया जा सके, रोकया जा सके। आ पहली दफा होया है कि एक चुनी हुई सरकार अपनी इस बहुत ही अहम जिम्मेवारी तो भजी है, किहड़े कम्मां च मसरूफ सीगे, या तो अपनी पार्टी नूं पूरे देश दे अंदर फैलाण वास्ते पंजाब सरकार दा हवाई जहाज क्योंकि केजरीवाल साहब नूं चाहिदा सीगा उन्हों लैके मुख्यमंत्री नूं जाना पैंदा सी, मुख्यमंत्री जी उस रुझेवां च उलझे सीगे, पर आ जिहड़ी एक बहुत ही अहम जिम्मेवारी है उस दे वास्ते अनगहली कीती है पंजाब सरकार ने, भगवंत मान जी दी सरकार ने, जिहदा खामियाजा पंजाब दी जनता भुगत रही है। हड़ पहली दफा नहीं आया, हड़ आंदे हर साल ही आते। तीन दिन पहला लहरा गागा हल्के दे अंदर पटियाले दे अंदर मैं जाके आया, अपनी अखी देख के आया, उत्थे किसानां दा आही कहना सीगा भी घग्गर च ब्रीच हुंदी है, किते ना किते बन टुटदा है, दो या तीन थावां ते ब्रीच हुंदी है, उहनूं सरकार ते लोग मिल के रोक लैंदे है। ऐतकी अनेक थावां बन टुटे है, अनेक ब्रीचिज होई है कि जिहदी गिणती महकमा भी भुल गया, सैकड़ां दे तादाद च 100 तों उत्ते फालतू ब्रीचिज होई हैं क्योंकि समय सिर प्रबंध नहीं किए गए। लहरा गागा जो कि इन्हां दे संगरूर हलके का एक होम डिस्ट्रिक्ट है मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का, उत्थे करीबन 43,000 एकड़ जमीन है रकबा जिहड़ा है पानी दे हेठां सट च है। एक पर्टिकुलर बशहरे पिंड दे अंदर जिथे मैं आप मौका देख के आया, उस पिंड की जमीन टोटल रकबा जिहड़ा 2700 एकड़ है, 2700 एकड़ के अंदर अज 27 मरबे भी सुके मरले भी नहीं उत्थे खड़े जिहदे विच बंदा खड़ के उन्हें देख सकदा, झील बनी हुई है। वह सारी दी सारी इस सरकार की अनगहली करके 4 जुलाई नूं हिंदुस्तान के मौसम विभाग ने चेतावनी दित्ती सीगी भी इन्हां इलाकियां दे अंदर सारे एक हड़ दा जिहड़ा आने वाले दिनों दे अंदर, डेट भी उन्होंने कीती सी, चेतावनी 4 तरीक नूं दित्ती, 6 तरीक नूं उन्होंने ओरेंज अलर्ट जिहड़ा है वह उन्होंने नशर किया भी आ इत्थे तुहाडे हुण इमीजिएट जिहड़ा है इहदे विच जेकर तुसीं 1 मिनट मैनूं समां दिओ मैं तुहानूं उस, क्योंकि आ कोई प्रिविलेज्ड इनफॉर्मेशन नहीं भी जिहड़ा मैं कोई अंदरों खाते कढ के देख के लै के आया, आ जिहड़ा उन्हां दा वैबसाइट है मौसम विभाग का उहदे अंदर सारयां नूं अवेलेबल है, जे तुसीं भी आ मिल जूगा। आ जिहड़ी उन्होंने 6 तरीक नूं जिहड़ी उन्होंने पाई है, आने वाले 2 दिनों का उन्होंने वेरवा उहदे च पाया सीगा भी 8 तरीक नूं आ ओरेंज अलर्ट है, तो सारे लोग सरकारां जिहड़ियां चाहे हिमाचल प्रदेश दियां चाहे पंजाब दियां तैयारी कर लैण, इहदे विच कोई लंबी चुड़ी अकल की लोड़ नहीं, उन्होंने परसेंटेज भी नहीं ओरेंज अलर्ट जिहड़ा रंग सामने दसी जांदा, इहदे बाद रैड अलर्ट किया 9 तरीक नूं, जिस दिन पंजाब के अंदर चंडीगढ़ के आले दुआला जिहड़ा है चाहे डेरा बसी है चाहे खरड़ है मोहाली जिहड़ा एरिया है उहदे विच हड़ दी जदों मार पई वह सारा एरिया डुब्बिया, लोगों के मकान टुटे है, डेरा बसी के मेरे ख्याल 1st-2nd फ्लोर ताईं जिहड़े फ्लैट्स जिहड़ियां सोसाइटीज़ बनियां उन्हां च पानी वड़ गया, उस समय रोपड़ के अंदर भी सारा उस सारे इलाके के अंदर जदों हड़ की मार पई है
उस दिन पहली रिव्यू मीटिंग शाम नू 9 तरीक नू शाम नू मीटिंग होंदी है, वो भी चीफ मिनिस्टर साहब नहीं लेंदे क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की मजबूरी सी। अरविंद केजरीवाल साहब उस दिन आए हुए सीगे ते वो पंचकूला के अंदर आम आदमी पार्टी वास्ते वोटां मंग रहे सीगे। 7 ते 8 तरीक नू बीजी सीगे भगवंत मान जी, उन्हां दा परिवारक फंक्शन सीगा, अपना एक साल का सालगिरह मना रहे सीगे, शायद उस पासे उन्हां दे रुझावें ज़्यादा सीगे। पर 9 तरीक नू जदों आया उस दिन भी उन्होंने मीटिंग नहीं ली क्योंकि उत्थे वोटां जरूरी सीगियां, डेरा बसी रोपड़ खरड़ इन्हां दा उन्हां नू कोई परवाह नहीं सी, वो पंचकूला च वोटां मंग रहे सी। अज असी गवर्नर साहब नू मिल के आए हैं भी आ एक बड़ा फंडामेंटल सवाल है। मैं उस दिन तो क्योंकि 9 तरीक तो अगले दिन 10 तरीक नू जदों मैं जाके उत्थे सारा जिहड़े मकान डिगे सी उन्हां कोल जाके गल की है, नाल नाल भगवंत मान जी ने भी अपना दिल्ली का प्रोग्राम कैंसल करके वह भी पिछे आए, उस दिन तो सवाल पूछ रहा। भगवंत मान जी इस गल का तो जवाब पंजाब के लोगों को तुसी दे ही सकते हो भी क्यों नहीं तुसी मीटिंग या जायज़ा लिया हड़ां दे प्रबंध का, केड़ी केड़ी थोड़ी एडी मसरूफियत सी, इन्ने बिजी कित्थे सीगे तुसी, इहदे रुझेवें किहड़े सीगे जिहदे करके तुसी रिव्यू मीटिंग नहीं ली। अज भी असी उत्थे लोग आम आदमी पार्टी के लोग कहणगे जी राजनीति राजनीति नहीं, अज असी गवर्नर साहब नूं जिहड़ा प्राइमरी साडा मकसद सीगा मेन एजेंडा अज दा सीगा भी पहलां तां इन्हां ने लापरवाही कीती है हड़ नूं रोकण वास्ते, हुण जिहड़े हालात बन जा रहे हैं पिंडां दे अंदर जिथे पाणी खड़ा है या किते ना किते कटिया या जिथे पाणी निकल गया उत्थे महामारी फैलण दे बहुत भारी अंदेशे है, उहदा वास्ते भी अजे कोई भी किसे किस्म दी प्रबंध कागजी कार्रवाई जरूर हुण कर रहे हैं भी असीं SMO दी ड्यूटी लाती जी, CMO भेजते जी, पर ग्राउंड जी रियलिटी है ना तो कोई उत्थे दवाई है ना ही डॉक्टर है, जाके आधा घंटा बैठ के जिहड़े इन्होंने सो कॉल्ड रिलीफ कैंप बनाए उत्थे बैठ के वापस आ जांदे है। लोगों की जान माल नू बचाण वास्ते अज गवर्नर साहब नू भी सरकार नू चिताओ, नाल तां भी पुछो भी पहला मीटिंग क्यों नहीं ली ते हुण की प्रबंध कर रहे हो ताकि लोगों का हुण जानी नुकसान होण तों बच जाए। माली नुकसान जिहड़ा होया उहदे विच ते मैं जाके आया उत्थे अजे मैनू नहीं लगता भी महीनिया महीने तीन उत्थे पानी निकलूगा, आ कहिंदे आ पनीरी ला लो झोना दोबारा तुसीं ला लो, मैं कहना भी उत्थे कणक नहीं बीजी जानी अगली फसल भी मरूगी, कोई प्रबंध नहीं उत्थे किसी किस्म का, इन्हों का आपका भगवंत मान जी का होम डिस्ट्रिक्ट है संगरूर जिहदे विच आ हाल है। चेतान गए असीं गवर्नर साहब के थ्रू भी सरकार नूं कहो अपनी जिम्मेवारी तो ना भजे, लोगों फौरी जिहड़ी मदद की जरूरत है, गिरदावरियां नहीं होनी साहब जिथे पानी खड़ा गिरदावरी है जी, हो सकता कई महीने गिरदावरी ना हो, पर लोगों मदद की अज लोड़ है ना कि 6 महीनों बाद, 6 महीने बाद भी उदों गिरदावरियां होणगियां जे पहले इत्थे जिहड़ा इन्होंने इन्हां दे अहंकार करके इन्हां दे MLA साहिबान दे रवैये करके जिहड़े अफसर साहिबान ने हड़ताल कर रखी है वह भी अजी गवर्नर साहब नूं कह के आए भी इन्हां नूं माड़ा मोटा कोई ना कोई अहसास कराओ भी एक पब्लिक नुमाइंदे लोगों के नुमाइंदे होने के नाते तुहानूं इन्ना अहंकार नहीं होना चाहिए, लोगों नाल तरीके नाल एक प्रोसैस सिस्टम के थ्रू काम करो। पर शायद कल उहदी गल सुन के क्योंकि गवर्नर साहब कोल चले आ भी शायद साडी शिकायत लगा के आणगे, शिकायतां नहीं गए साहब असीं तां इन्हां नूं चेतान गए उत्थे, पर MLA साहब नूं शायद इत्थे श्रीमान MLA जी नूं शायद कोई इस गल का अहसास होया, कल कहिंदे रात नूं उन्होंने अपनी गलती का अहसास भी किया। मसला आ नहीं साहब, सरकार लोगों की चुनी हुई सरकार है, अपने आप नूं आम आदमी की सरकार कहती है, आम पंजाबी साहब इस तरह अहंकार से गल नहीं करता, हरेक की इज्जत दा मान सत्कार करता है, इस तरह सरकार नूं जिहड़ा लोगों के खातों से इमीजिएट रिलीफ पहुँचे। केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, 218 करोड़ रुपये ऑलरेडी भेज चुके हैं, होर कोई भी इन्हां दी मदद की लोड़ है उहदे वास्ते भी मुख्यमंत्री साहब नूं अपना मन बनाना पऊगा। मुख्यमंत्री साहब के बयान आए भी मैनू किसी पैसे की लोड़ नहीं, पंजाब सरकार को पैसे की घाट नहीं, दूजे पासे कह रहे केंद्र सरकार की करिए, केंद्र सरकार ने 218 भेजते घट्टो घट वो पैसा तो तुसी इंटरिम रिलीफ जिहड़ी है फौरी एक बार गिरदावरियां बाद चे रहणगियां उन्हां दे खातियां चे जिन्हां दे मकान ढहे है गरीबां दे उन्हां मकानां दा मुआवजा देण,
जिहड़े लोगों की दुकानों का नुकसान होया, किसी रोजी रोटी का नुकसान होया, उन्होंने फौरी तौर पर वो मुआवजा भेजा जाए। इस वास्ते अज गवर्नर साहब नूं मिले हैं तो मैं इस गल का भी उन्होंने जाण का घट्टो घट इन्ना असर होया सी साडे उत्थे जाण दी खबर का भी MLA साहब नूं अपनी गलती का एहसास होया तो उन्होंने पब्लिकली अपनी गलती नूं स्वीकार किया। जी सर।